इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सतना मझगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वर्षों से पदस्थ बीएमओ तरुण कांत त्रिपाठी इन दिनों फिर चर्चा में है। इस बार मामला महिला उत्पीड़न का है। इसके पहले भी बीएमओ ने कंप्यूटर ऑपरेटर से मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद मामला थाने तक पहुँचा था और FIR भी दर्ज हुई थी। अब मामला बरौंधा में पदस्थ महिला ऑपरेटर से जुड़ा है, जहाँ पार्वती चौरसिया पति भोला चौरसिया का मामला बताया जाता है, जिसने दिनांक 9/5/2023 को एक लिखित आवेदन कलेक्टर सतना को दिया है, जिसमें बताया गया है कि मझगवां बीएमओ तरुण कांत त्रिपाठी द्वारा लगातार कई वर्षों से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और मझगवां में आकर नौकरी करने का दबाव बनाया जा रहा है। नौकरी न करने पर नौकरी से निकलवा देने की धमकी भी जा रही है। मानसिक तौर पर बीएमओ उस महिला को प्रताड़ित कर रहा है, जिसकी शिकायत महिला ऑपरेटर पार्वती चौरसिया ने कलेक्टर से की है। अब देखना यह है कि कलेक्टर इस शिकायत पर संज्ञान लेकर क्या कार्रवाई करते हैं, कुछ करते भी हैं या नहीं। यदि नहीं करते हैं तो इससे एक बात पूरे ज़िले के अंदर ध्वनित होगी कि महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नहीं है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।